हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के दसम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नौ अध्याय की कथा मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाके देख ले या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही दक्ष प्रजापति को भगवान शिव जी ने पुनः जीवित कर दिया, जिनके भी अंग भंग हुए थे भगवान शिव जी ने पुनः उन सबको जो है पहले जैसे थे वैसा ही कर दिया। दक्ष प्रजापति के मुख पर बकरे का चेहरा लगा दिया, भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए, उन कह दिया वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और भगवान शिव जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण करने लगा। इस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रश्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया, वह देवता राक्षस नाग व मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा, इस प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र नहीं मरेगा, परंतु भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। राक्षस ने विचार किया जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहां से होगा, फिर मृत्यु की ही कैसे हो सकती है। इस कारण वह दिया गया वर पाकर ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया, देवांगनाओं को दासी बना लिया। इस प्रकार सब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई। ब्रह्मा जी उनके दुख को सुनकर कहा कि वह वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु कोई नहीं कर सकता, यानी भगवान शिव जी के पुत्र ही उसकी मृत्यु कर सकता है, बाकी वह किसी देवता गंधर्व के हाथ से मारा नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पारिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर के गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है, सती के वियोग से श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जाकर जहां रुद्र तपस्या कर रहे हैं यानी भगवान शिव जी तपस्या कर रहे हैं जाओ और उनकी तपस्या भंग करो, वहां पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ा करके ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं, उनका संगम होने पर सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट से होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव जी के नेत्र खुल गए और विचार करने लगे कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने विचार चारों तरफ देखा
तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य न सफल हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दृष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से क्याकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी के साथ किया तो उसने भी दुख उठाया। इसलिए हमेशा साधु संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। बोल वैशाख मातम की जय।